फाजिल्का पुलिस को करोड़ों रुपए की हेरोइन की खेप बरामद होने में बड़ी कामयाबी मिली। जलालाबाद इलाके से 9 किलो हेरोइन बरामद हुई। जिला फाजिल्का के एसपी मैडम अवनीत कौर सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जलालाबाद के गांव ढंडी कदीम के रहने वाले दो युवकों को पुलिस ने काबू किया। हेरोइन की डिलीवरी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हुई थी। पुलिस ने दो टॉय और दो ब्लिंकर बॉल भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक टॉय से आवाज निकाली जाती थी और ब्लिंकर से लोकेशन पता चलती थी, जिसके बाद भारत में मौजूद तस्कर इस हेरोइन को उठा लेते थे। फिलहाल दो शख्स काबू किए गए। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पिछले काफी समय तो उसे विच ही खोज सफलता हासिल करते हुए कल जलालाबाद एरिया विच डीएसपी साहब, जलालाबाद डीएसपी डी साहब और एसएचओ सदर जलालाबाद सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा और अच्छा रिमार्केबल अचीवमेंट की थी। जो एक 9 किलो हेरोइन जड़ी है, 9 किलो 387 ग्राम हेरोइन की कल जड़ी है रिकवरी की गई। सो इस रिकवरी बारे अस दसना चाहेंगे जी, FIR नंबर 73 जिदे विच की अंडर सैक्शन 21, 23, 28, 29, 30 कार्ड 85 एनडीपीएस एक्ट धारा अंदर FIR रजिस्टर की गई है, जिदे विच की 5 जड़े अक्यूज्ड है नॉमिनेट किए गए हैं। इन्हां विचों हैगा एक अमनदीप सिंह उर्फ अमनी सन ऑफ शर्मा सिंह रेजिडेंस ऑफ टंडी कदीम, बग्गू सिंह रेजिडेंट ऑफ बहराम सिंह शेरवाला, बिंदर सिंह रेजिडेंट ऑफ प्रभात सिंह वाला, गुरप्रीत सिंह रेजिडेंट ऑफ टाणी फूला सिंह, हुशियार सिंह रेजिडेंट ऑफ प्रभात सिंह वाला। सो इहदे विच जी सानू सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सीगी कि शायद कोई ड्रोन की मूवमेंट करके जिहड़ी कोई कंसाइनमेंट इधर आई हुई है, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੀਕਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 9 ਕਿਲੋ 387 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਔਰ